अरे कोई फोटो नहीं खींची, ऐसे बना रहे। क्या प्रोग्राम है आज ये? नमस्कार दोस्तों, मैं रोटरी क्लब संस्कार के प्रेसिडेंट के नाते आज ये हमारे इस वर्ष का अंतिम प्रोग्राम है। फैमिली फंक्शन हमने रखा है और इसके अंदर हमें अपने सभी संस्कार परिवार के सभी मेंबर्स को आज एक हमने सुहानी शाम देने का वायदा किया था। यह एक सुहानी शाम है जिसका आयोजन किया गया है फैमिली फंक्शन के लिए, और आज चलते चलते इस वर्ष के लिए एक हमने थीम रखी है, मुगल थीम। इसके अंतर्गत आज हमारी फैमिली, आज हमारे संस्कार परिवार के सभी परिवार यहाँ पे शामिल हो रहे हैं,
और बहुत शानदार हमने एक फंक्शन रखा है जिसमें कि सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। इस साल के दौरान सभी लोगों ने मेरा बहुत सहयोग किया और बढ़ चढ़ के मेरा साथ दिया। मैं तहे दिल से संस्कार परिवार के हर मेंबर को धन्यवाद करता हूँ। प्रधान जी, अगर बात करें तो आपका जो साल है वो अचीवमेंट किसको आप सबसे कहेंगे कि बहुत अचीवमेंट, जो आपके लिए सबसे अच्छा रहा काम कोई आपके लिए? इस साल हमने 63 प्रोजेक्ट्स किए हैं, सर्विस प्रोजेक्ट्स। इस साल हमने तकरीबन 25 प्रोजेक्ट्स ब्लड के किए हैं, जिसमें कि हमने तकरीबन 3000 यूनिट ब्लड बैंक्स को दिया है। इसके अलावा कैंसर हमने चेकअप किए हैं लेडीज़ के लिए, जिसमें 150 लेडीज़ का कैंसर चेकअप किया है। इसके अलावा शहर के अंदर हमने 3000 पेड़ लगाए हैं और डायबिटीज़ कैंप लगाए हैं और बहुत सारे सर्विस प्रोजेक्ट्स हमने किए हैं। इस वर्ष हमने बढ़ चढ़ के शहर की डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया है। संस्कार सदा लगा रहेगा सामाजिक कार्यों के लिए। ब्रजेश जी, आज ये दिख रहा है काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें रखी हुई हैं, कलरफुल है, तो आपने यही थीम क्यों चुना आज? आज हमने देखिए, हमने पीछे ना जो भी फंक्शन किया है जी, तो उसमें अलग अलग थीम हमने हर बार रखी है जी। पहले एक बार हमने पुरानी फिल्मों के जो 70 की युग की फिल्में थी उसके ऊपर एक थीम रखी थी। इससे पहले हमने तीज का, हमारे क्लब में सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, हम लोग दिवाली भी मनाते हैं, तीज भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, दशहरा भी मनाते हैं, न्यू नया साल मनाते हैं। इस बार हमने ये थीम रखी है मुगल, यानी कि इसमें हमने मुगल एम्परर की प्राचीन युग वाली थीम रखी है। आज हमारे क्लब की लेडीज परंपरागत ड्रेसेस पहन के आएंगी और वो मुस्लिम लुक के अंदर यहाँ पे प्रवेश करेंगी।